Very good morning, students. Today our topic of discussion is Mobius function. And before defining this function, we'll discuss one thing, that is carefree integer. What do you understand by a carefree integer? किसी भी integer को carefree integer कब कहते हैं? Suppose n कोई भी integer है. This is said to be carefree integer. अगर ऐसा कोई भी prime exist नहीं करता जिसका square n को divide करे, means there doesn't exist any prime p such that p square divides n. ऐसा कोई भी p नहीं है जिसका square n को divide करे, means p square does not divides n for any p. Then n is said to be carefree integer. मतलब वो number जो किसी भी नंबर के स्केयर से, किसी प्राइम के स्केयर से डिवाइड नहीं होता, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ स्केयर फ्री नंबर, इंटीजर. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज योर मोबियस फंक्शन? मोबियस फंक्शन क्या होता है? अगर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगेन दिस इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, सो दिस इज ऑल्सो अ नंबर थियोरेटिक फंक्शन. सो अगर हम n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, देन वी डिफाइन अ फंक्शन दैट इज म्यू ऑफ n, विच इज इक्वल्स टू 1 इफ n इज इक्वल्स टू 1. अगर n 1 है तो म्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होती है? 1. एंड दिस इज 0 इफ n इज नॉट स्केयर फ्री. स्केयर फ्री का मतलब क्या था? कि कोई भी ऐसा प्राइम नहीं होगा जिसका स्केयर n को क्या करेगा? डिवाइड. बट नॉट स्केयर फ्री का मतलब ऐसा एक ना एक प्राइम एग्जिस्ट करता हो जिसका स्केयर n को क्या करता है? डिवाइड. देन दैट नंबर इज सेड टू बी, दैट नंबर इज नॉट अ स्केयर फ्री नंबर. अगर n स्केयर फ्री नहीं है तो म्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होगी? 0. और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, इफ देयर एग्जिस्ट a prime number p such that p square divides n, then this value is equals to 0. And third case is if n is product of primes ki form mein isko likha, to ye sare primes, jitne bhi primes ki product mein isko likh rahe hain, they all primes are different, where pi's are distinct primes. They all are different primes. In that case, the value of this mu of n is equals to minus 1 raised to power, jitne distinct primes ki product mein ye likha gaya. That is equals to minus 1 raised to power k. Again, I will define this function, Mobius function. Mobius function kya hota hai? Again, pehle to ye positive integers ke liye define karte hain. Positive integers mein agar n 1 hai, to iski value humne kya define ki? 1. Aur agar n परफेक्ट स्केयर फ्री नंबर नहीं है, मतलब देयर एग्जिस्ट अ प्राइम जिसका स्केयर n को क्या करता है? डिवाइड. तब इसकी वैल्यू क्या होएगी? 0. और अगर n प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखा और सारे प्राइम्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट. देन जितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में वो रिप्रेजेंट हो रहा है, माइनस वन रेज़ टू पावर दैट नंबर इज द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ n. लेट्स कैलकुलेट दिस फॉर सम n फर्स्ट. सपोज n हम लेते हैं 30, फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 30. इन दैट केस वॉट विल बी योर म्यू ऑफ 30? अगर n 30 है, देन वॉट विल बी योर म्यू ऑफ 30? फर्स्ट राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30. 30 को क्या लिख सकते हैं हम? 30 कैन बी रिटन एज, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस, 3 से डिवाइड करो एंड देन 5. सो दिस इज रिटन एज 2 × 3 × 5. तो ये प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया. इट मीन्स म्यू ऑफ 30 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, मीन्स 3. सो वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस 1. सिमिलरली नाउ वी टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज n इक्वल टू 12. इन दैट केस 12 कैन बी रिटन एज 2² × 3, बिकॉज 12 इज 4 × 3 एंड 4 कैन बी रिटन एज 2². सो वी कैन राइट 12 एज 2² × 3. नाउ सिंस 2² डिवाइड्स 12, तो इसका मतलब एक ऐसा प्राइम मिल गया जिसका स्केयर 12 को क्या कर रहा है? डिवाइड. इट मीन्स 2² डिवाइड्स 12. और अगर 2² 12 को डिवाइड कर रहा है, तो जैसे हमने म्यू डिफाइन किया था मोबियस फंक्शन, कि अगर एक प्राइम ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसका स्केयर n को डिवाइड करता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0. तो इट मीन्स व्हाट इज योर म्यू ऑफ 12? म्यू ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 0. नाउ
वी हैव टू प्रूव दैट दैट म्यू ऑफ एन इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. फर्स्ट वी प्रूव दैट म्यू ऑफ एन इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. ऑल ऑफ यू नो अबाउट वॉट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. वी हैव डन दिस डेफिनेशन सो मेनी टाइम्स. किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लिकेटिव शो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि अगर m और n दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका जीसीडी क्या है 1, देन म्यू ऑफ एम एन किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास म्यू ऑफ m इंटू म्यू ऑफ n. सो टू प्रूव दिस फंक्शन जो हमने मॉबियस फंक्शन डिफाइन किया है दिस इज अ मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन वी हैव टू शो दैट इफ जीसीडी ऑफ एम एन एन इज इक्वल्स टू 1 देन म्यू ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ m इंटू म्यू ऑफ n. अब म्यू की जो वैल्यू है वो तीन डिफरेंट टाइप से निकालते हैं हम. कौन कौन सी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि m की वैल्यू या n की वैल्यू किस टाइप की है. फर्स्ट केस इज व्हेन द वैल्यू इज इक्वल्स टू m और n इज इक्वल्स टू 1. तो इस केस में भी हम यहाँ पे तीन केसेस बनाएंगे. फर्स्ट केस क्या बनेगा हमारा, या तो m और n दोनों में से कोई एक वैल्यू 1 हो या दोनों ही 1 हो. कोई एक भी 1 हो सकती है और दोनों भी 1 हो सकती हैं. केस 1 इज लेट m इज इक्वल्स टू 1 और n इक्वल टू 1. दोनों में से कोई भी एक 1 हो या दोनों के दोनों भी क्या हो सकते हैं 1. अगर दोनों में से कोई एक 1 है उस केस में म्यू ऑफ सपोज m 1 है. अगर m 1 है तो म्यू ऑफ m क्या आएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन म्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर म्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 1. एंड व्हाट विल बी योर म्यू ऑफ m इंटू n, दिस इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ 1 इंटू n विच इज इक्वल्स टू म्यू n. एंड what is the value of mu of mn m into mu of n, iski value kya hogi, mu of m kitna hai 1 into mu of n. so it means mu of mn bhi mu of n ke equal hai aur mu of m into mu of n bhi kiske equal hai, mu of n ke equal. therefore the two values are equal. chahe ye 1 ho chahe ye value 1 ho, dono mein se koi bhi ek value 1 hai to mu of m into mu of n ki value kiske equal aayegi, mu of m into n ki. Now the next case is when any one of them is not a scare-free number. Second case क्या था, अगर दोनों में से कोई भी एक number ऐसा है जो scare-free नहीं. Suppose case 2 is either m is not a scare-free number, दोनों में से कोई भी एक, और n is not a स्केयर फ्री नंबर. अगर m स्केयर फ्री नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर m स्केयर फ्री नहीं है तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ प्राइम जिसका स्केयर m को क्या करता है डिवाइड, या n स्केयर फ्री नहीं है तो इसका मतलब ऐसा एक प्राइम एग्जिस्ट करेगा जिसका स्केयर n को क्या करता है डिवाइड. इन द फर्स्ट केस व्हेन p स्केयर डिवाइड्स m, देन जो नंबर m को डिवाइड कर रहा है वो m इंटू n के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा. देयरफॉर इट डिवाइड्स m इंटू n ऑल्सो. देन म्यू ऑफ m n ये किसके इक्वल आएगा, सिंस स्केयर ऑफ अ नंबर प्राइम नंबर डिवाइड्स दिस नंबर, देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट अ स्केयर फ्री नंबर, सो वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0. एंड p स्केयर m को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब म्यू ऑफ m भी कितना हो गया 0. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू m into mu of n, this is equals to 0 into something which is also equal to 0. Now in the second case when p square n ko divide karta hai, firstly this case is clear, iski value bhi 0 aur iski value bhi kitni hai 0, so both are equal. Now in the second case when p square divides n, अगर p स्केयर n को डिवाइड करता है तो इसका मतलब p स्केयर अगेन n से किसी को मल्टीप्लाई कर दें तो उसको भी डिवाइड करेगा. इट मीन्स म्यू ऑफ m n इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज m n इज नॉट अ स्केयर फ्री नंबर, क्योंकि इसको स्केयर किसी प्राइम का क्या कर रहा है डिवाइड. देयरफॉर दिस इज नॉट अ स्केयर फ्री नंबर एंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू 0. नाउ अगर p स्केयर n को डिवाइड कर रहा है तो म्यू ऑफ n कितना होगा 0, और म्यू ऑफ m इंटू म्यू ऑफ n कितना होगा, this is equals to mu of m into 0 which is again equal to 0. hence what we prove ki m ya n dono mein se agar ek bhi number scare free nahi hai to in dono ki value kya aa rahi hai equal. now in the next case
थर्ड केस होगा क्या? पहले तो हमने दो केसेस कवर कर लिए हैं जो हमने म्यू फंक्शन के लिए डेफिनेशन में लिए थे। अगर एम और एन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू वन है, वो केस हम कवर कर चुके हैं। सेकंड केस इज व्हेन वन ऑफ देम इज नॉट अ स्केयर फ्री नंबर। एंड थर्ड केस इज जब दोनों के दोनों नंबर्स का जीसीडी क्या है, वो तो हमें हर केस में दिया हुआ है कि जीसीडी ऑफ दीज टू नंबर्स इज वन। एंड थर्ड केस कहता है कि अगर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स की फॉर्म में, सपोज एम भी डिस्टिंक्ट प्राइम्स की फॉर्म में लिखा गया और एन भी डिस्टिंक्ट प्राइम की फॉर्म्स की प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट होगी, इन दैट केस क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं? नाउ वन थिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ कि जी सी डी ऑफ एम और एन कितना है? वन। अगर एम और एन का जी सी डी वन है तो इसका मतलब M और N के जो ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, इनमें से कोई भी प्राइम सेम नहीं होगा। क्यों? इन दोनों का जीसीडी क्या है? वन। अगर जीसीडी वन है, इसका मतलब सारे के सारे प्राइम्स क्या होंगे दोनों में? डिफरेंट। अब ये सारे प्राइम्स डिफरेंट हैं, नाउ व्हाट विल बी योर म्यू ऑफ M फर्स्ट? इसमें कितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं? K। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस वन रेज टू पावर K। एंड इसमें भी सारे डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस वन रेज टू पावर R। नाउ कैलकुलेट व्हाट इज एम इन टू एन। जब ये सारे प्राइम्स डिफरेंट हैं तो इनके प्रोडक्ट में सारे प्राइम्स आएंगे, पी वन पी टू अप टू पी के, क्यू वन क्यू टू अप टू क्यू आर, दे ऑल आर डिस्टिंक्ट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ एम एन? दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन रेज टू पावर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स जो इसके प्रोडक्ट में आए हुए, दैट इज इक्वल्स टू के प्लस आर, विच कैन बी रिटन एज माइनस वन रेज टू पावर के इन टू माइनस वन रेज टू पावर आर। माइनस वन रेज टू पावर के किसके इक्वल है? म्यू ऑफ एम के इक्वल। एंड माइनस वन रेज टू पावर आर किसके इक्वल है? म्यू ऑफ एन के इक्वल। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, म्यू ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ एम इनटू म्यू ऑफ एन। दिस होल्ड्स फॉर ऑल एम एन। एम एन की कुछ भी पॉसिबिलिटी हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, उसके लिए रिजल्ट होल्ड करता है। सो हेंस दिस फंक्शन म्यू इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट वी आर गोइंग टू प्रूव इज, अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और अ नेचुरल नंबर यू कैन से, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा म्यू ऑफ d, वेयर d इज अ नंबर विच डिवाइड्स n, दिस इज इक्वल्स टू वन इफ n इज इक्वल्स टू वन एंड जीरो इफ n इज ग्रेटर देन वन। मीन्स अभी हमने मॉबियस फंक्शन डिफाइन किया था, अब इस टाइप के मॉबियस फंक्शंस का हम क्या निकाल रहे हैं? सम। सम किस पे निकाल रहे हैं? ऑल द डिवाइजर्स ऑफ एन पे। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? नाउ द प्रूफ इज, अगर एन की वैल्यू वन है, इन दैट केस व्हाट इज डी डिवाइड्स वन? म्यू ऑफ डी। नाउ वन का सिर्फ एक ही डिवाइजर है, दैट इज वन। सो इट मीन्स समीशन में सिर्फ एक ही टर्म आएगी, दैट इज म्यू ऑफ वन। और हमें पता है मॉबियस फंक्शन की वैल्यू वन पे कितनी होती है? वन। सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू वन। नाउ द नेक्स्ट केस इज व्हेन एन इज ग्रेटर देन वन। इफ एन इज ग्रेटर देन वन, देन वी कैन राइट डाउन द फैक्टराइजेशन ऑफ एन। वी कैन राइट दिस एज पी वन रेज टू पावर के वन, पी टू रेज टू पावर के टू, एंड सो ऑन अप टू पी आर रेज टू पावर के आर। सो अब हमने एक रिजल्ट किया था पहले लास्ट उसमें, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू समीशन डी डिवाइड्स एन एफ ऑफ डी, अगर ये फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है तो ये फंक्शन भी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव। अब हमें क्या गिवन है? समीशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी, ये फंक्शन की बात कर रहे हैं। इस फंक्शन को हम मान लेते हैं, सपोज इट इज इक्वल्स टू सम कैपिटल एफ ऑफ एन। नाउ हमें बताया, हमने अभी प्रूव किया है कि जो ये मॉबियस फंक्शन है, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अगर ये मल्टीप्लीकेटिव है तो ऑब्वियसली ये फंक्शन भी क्या होगा? मल्टीप्लीकेटिव। सो नाउ व्हाट इज योर एफ ऑफ एन? एन इज व्हाट? पी वन रेज टू पावर के वन, पी टू रेज टू पावर के टू, सो ऑन अप टू पी आर रेज टू पावर के आर। हमने ये डिफाइन किया था इसको, एन को। तो अब एफ अगर मल्टीप्लीकेटिव है तो इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी वन रेज टू पावर के वन, एफ ऑफ पी टू रेज टू पावर के टू, एंड सो ऑन अप टू एफ ऑफ पी आर रेज टू पावर के आर। सो हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारी इस टोटल की वैल्यू क्या आती है। नाउ व्हाट इज योर एफ ऑफ पी वन रेज टू पावर के वन? दिस इज इक्वल्स टू समीशन डी डिवाइड्स पी वन रेज टू पावर के वन म्यू ऑफ डी।
नाउ व्हाट आर द डिवाइजर्स ऑफ म्यू ऑफ पी वन रेज टू पावर के वन. दिस इज पहला डिवाइजर 1, सो सम इज म्यू ऑफ 1. फिर डिवाइजर पी वन, फिर डिवाइजर पी वन स्क्वेयर एंड आगे डिवाइजर्स क्या आएंगे पी वन की और आगे फर्दर पावर्स और मैक्सिमम डिवाइजर कहाँ तक जाएगा पी वन रेज टू पावर के वन तक. नाउ ये फंक्शन जो मॉबिस फंक्शन हमने डिफाइन किया था, वन पे इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और अगर ये प्रोडक्ट जो नंबर इसके अंदर है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखा गया है, तो जितने प्राइम्स हैं माइनस वन रेज टू पावर नंबर ऑफ प्राइम्स इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हुआ है, ये वैल्यू होती है इसकी प्लस. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर. स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर, अगर नंबर स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उस पर म्यू की वैल्यू कितनी होती है 0. आगे पी वन क्यूब आएगा वो भी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इन सब के लिए वैल्यू क्या आएगी, आगे वाले सारे टर्म्स के लिए वैल्यू क्या आएगी 0, बिकॉज दे ऑल आर नॉट स्क्वायर फ्री नंबर्स. नाउ द टोटल वैल्यू इज व्हाट, 1 माइनस 1 इज 0. सो व्हेन पी वन रेज टू पावर के वन अगर हम लें तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0, क्योंकि 1 माइनस 1 इज 0. सिमिलरली अगर मैं पी वन की जगह पी टू की बात करूं तब भी यही केस आएगा, बिकॉज इट इज इक्वल टू डी डिवाइड्स, जस्ट द ओनली डिफरेंस इज पी वन की जगह पे कितनी वैल्यू हो जाएगी पी टू, सेकेंड प्राइम आ जाएगा और पावर उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी एंड दिस इज म्यू ऑफ डी. सो अगेन अगर यहाँ सिर्फ पी टू भी हो तब भी वैल्यू क्या आएगी, म्यू ऑफ 1 प्लस म्यू ऑफ पी टू. प्राइम की एक पावर तो कम से कम, अगर हम प्राइम वहाँ ले रहे हैं तो उसकी कम से कम एक पावर तो डिवाइड करेगी करेगी ना, तो ये दो टर्म्स तो आएंगी आएंगी. आगे वाले टर्म डिपेंड करेंगी कि इसकी आगे वाली पावर कितनी है, मतलब पावर 1 से ज़्यादा है या 1 है. तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू. अब ये सारे तो स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है, तो इन सब की वैल्यू तो 0 एंड इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू माइनस 1, तो वैल्यू इज़ अगेन इक्वल टू 0. सिमिलरली फॉर एफ ऑफ पी आर रेज टू पावर के आर इज ऑल, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0. प्राइम चेंज हो उसकी पावर चेंज हो रही है, बट अकॉर्डिंगली वैल्यू क्या आएगी सबकी 0. नाउ इन सब की वैल्यू कितनी है 0, देयरफॉर एफ ऑफ एन की वैल्यू भी कितनी होगी 0. एंड व्हाट इज एफ ऑफ एन, दैट इज सिग्मा डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी. इसका मतलब व्हेन एन इज ग्रेटर देन 1 दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0. नाउ वी चेक दिस वैल्यू, दैट इज म्यू ऑफ डी व्हेन डी डिवाइड्स एन फॉर एन इज इक्वल्स टू 10. ये वैल्यू क्या आएगी, इसके क्या क्या डिवाइजर्स हैं 10 के, 1, तो इट मीन्स व्हेन डी इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड इज 2, फिर 5 and then 10. These are the only divisors of 10. Now what is the value of mu of 1? Mu of 1 means 1 pe and Möbius function ki value kya hoti hai 1. Jab number product of primes ki form mein likhe aur jitne primes hote hain minus 1 raised to power that value. Ab isme bhi ek hi prime hai, this is minus 1 raised to power 1 again. And mu of 10, 10 में कितने प्राइम्स लिख सकते हैं 2 इंटू 5, फिर इज 2 प्राइम, सो वी कैन राइट इट एज माइनस 1 रेज टू पावर 2. सो दिस वैल्यू इज 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0. सो वी कैन चेक अगर n 10 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 0. फॉर एग्जाम्पल इट इज क्लियर द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स